Hey everyone, I am CS Khandelwal and I hope you are doing good. So guys, result की date finally announced हो गई है and result की date जो है वो है 15 से 16 बोला उन्होंने. तो 15, 16 तो मुझे लगता है कि 15th को ही आ जाएगा. वो safe side के लिए बोलते हैं कि 16th को भी आ सकता है. तो मुझे जो लगता है कि 15 जुलाई को आपका result आ जाएगा. तो अब तो अपन वही मार के चल रहे हैं. तो अब सर यहाँ से हमको 15 जुलाई तक क्या करना है, क्या हम पढ़ाई करें या फिर क्या करें? तो बेटा अगर आप पहले से पढ़ रहे हो अच्छे से और कहीं बीच में अटके हो, थोड़ा सा बचा आपका, तो थोड़ा सा पढ़ के ख़त्म कर लो 4-5 दिन में. या फिर मैं तो बोलूँगा अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की अभी तक तो और 5 दिन छोड़ दो. अब 5 दिन जहाँ घूमने जाना है घूमने जाओ, ट्रिप बनाओ, जो भी करना है करो, एंजॉय करो. ये 5 दिन ट्राई करो कि टाइम आपका कट जाए, है ना, सो दैट आपको एंजाइटी कम हो एंड ज़्यादा डर ना लगे. तो मैंने भी ऐसा किया था, मैं बैंगलोर चला गया था घूमने मेरे रिजल्ट के जस्ट 5-6 दिन पहले और 5 दिन मैं बैंगलोर में ही था. तो आप भी ये कर सकते हो कि रिजल्ट के अभी जो 4-5 दिन बचा है कोई भी ट्रिप मार के आओ दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ, जो भी करना है करो, चिल करो थोड़ी देर, क्योंकि जितना आप खाली रहोगे ना उतना एंजाइटी बढ़ेगी. एंड आई एम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा, सो ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. ठीक है, जय नर्मदे. और आप लोग सबको ऑल द बेस्ट और चिंता मत करो, चिल करो और मज़े करो. ठीक है, रिजल्ट तो एकदम मज़े, एकदम चिल, फुल चिल ना. मुझे पता है मेरे लिए बोलना इजी है, बहुत ऐसा दिमाग में टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, बट ट्राई करो, बिजी रहो पूरा, जितना बिजी रह सकते हो. ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू.